It was 9 p.m. in the night. We were almost winding the work of my cath lab. And suddenly, there was a lot of noise outside my cath lab. And a young 21 year old boy, a married boy, was brought inside my lab. He was dead. No heart rate, no blood pressure. He was being resuscitated. There was a lot of noise. And when we checked his reports, he had a massive myocardial infarction, massive heart attack. We had nothing to lose. We took him on the table, on the massage, put him on an artificial support system, and ultimately I operated him almost for an hour. We were able to reopen his artery, see his heart beating again, see his blood pressure picking up, and he was revived. Next day he was shifted to the ICU in the recovery room and he was conscious. But one thing that was bothering me was that why did this young guy had a heart attack?

जीवन में छोटी छोटी बातें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो चार्टेड अकाउंटेंट था वो आईटी प्रोफेशनल थी आई both ऑफ देम स्मॉल मिस was वॉज लीडिंग टू दिस काइंड ऑफ situation इन their लाइफ मैंने उसे कहा कि आप भले यू गो अड विद वॉट यू वॉन्ट बट एक चीज आप मेरे कहने से करिएगा उन्होंने कहा बताइए सर मैंने कहा आप अगले तीन महीने के लिए अपने हस्बैंड को हाथ पकड़ के मेरी ओपीडी के अंदर ट्यूसडे को लेकर आइए केवल तीन महीने के लिए और आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करिए मेरे कहने से जस्ट स्टार्ट एक्सेप्टिंग दोस्तों वो तीन महीने तक हर हफ्ते अपने हस्बैंड को मेरे पास लेके आती थी आज चार साल हो गए उनकी बच्ची चार साल की हो चुकी है दोस्तों उनके डायवर्स पेपर वापस हो चुके हैं मैजिक दैट दोस्तों वी कैन क्रिएट दिस प्रॉम्प्टेड मी दिस prompted मी टू कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इन अवर लैब कि आप जैसे यंग बच्चों को जिनको मैं देखता हूं 33% परसेंट मेरे हार्ट अटैक के पेशेंट्स, डेढ़ सौ केस में ऑपरेट करता हूं एक हफ्ते के अंदर उनको हार्ट अटैक होता क्यों है वी स्टार्टेड कंडक्टिंग अमेजिंग एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने इन बच्चों को अपनी स्टडीज में एनरोल किया दोस्तों अट्ठारह से तीस वर्ष की उम्र इमेजिन करिए डायबिटीज नहीं है स्मोकिंग नहीं करते हैं लिपिड्स नॉर्मल हैं हमने इनके तनाव इनके स्ट्रेस फैक्टर्स को दोस्तों मेजर किया इनको तनाव कितना है और साथ में वी ऑल्सो मेजर्ड देयर जेनेटिक लेंथ यानी इनकी बायोलॉजिक एज क्रोमोजोमल लेंथ कितनी थी रिजल्ट वर रिवीलिंग दोस्तों रिजल्ट में देखा गया इन बच्चों की जो शारीरिक उम्र थी वो थी 18 से 30 साल लेकिन जब हमने इनकी जेनेटिक एज को स्टडी किया इन बच्चों की जेनेटिक एज थी एक 60 से 90 साल के व्यक्ति के बराबर देयर जीन्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड सेकेंड क्वेश्चनिंग ये हो क्यों रहा है कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है हमने जब उनके साइको सोशल स्ट्रेस को मेजर किया दीज प्रोफेशनल इन देयर लाइफ सिक्स डिजिट सैलरी डूंग गुड कार अड होम दोस्तों दे हैड हाइस्ट लेवल ऑफ साइको सोशल स्ट्रेस एंगर लैक ऑफ लव लैक ऑफ पर्पज दैट वॉज प्रेजेंट इन दियर लाइफ फिर मैंने सोचा अगर है भी तो हाउ डज इट डिफर इससे फर्क क्या पड़ना है बॉडी में दोस्तों वी कंडक्टेड फर्दर एक्सपेरिमेंट टू शी दैट दो पीपल हु लैक लव इन देयर लाइफ हु लैक पर्पज इन देयर लाइफ Who are having poor family relations, उनकी टेलोमरेज एंजाइम दोस्तों कम हो जाता है और उनकी क्रोमोजोल लेंथ डिस्ट्रॉय हो जाती है वेर एज जो लोग जीवन के अंदर खुश रहते हैं दे हैव हैप्पीनेस दे हैव ग्रैटिट्यूड दे हैव पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ दे आर दी पीपल हुज हुज हेल्थ पीपलोम लेंथ इज दोस्तों दैट इज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव अ लाइफ नॉट ओनली विच इज हाई टेक अश टेक्नोलॉजी बेस्ड से दोस्तों हम लोग चलते हैं बट गॉन आर टाइम्स दो इज द टाइम दैट वी शुड इनकलकेट हाई टच इन आवर लाइफ

हम अपने जीवन का दिशा निर्देश किस प्रकार से करते हैं वॉट आर द कॉन्शियस दैट वी आर क्रिएटिंग दोस्तों आज जीवन जो हमारी जलेबी की तरह उलझ चुकी है वी आर जस्ट अराउंड 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 एंड एंड और इसमें हम लोग उलझते चले जाते हैं और कभी कभी मैं मजाक में बोल भी देता हूं कि अगर जब हमारी जिंदगी जलेबी सी उलझ ही चुकी है तो क्यों नहीं चाशनी में डुबकी लगा ली जाए जीवन में कुछ मिठास दोस्तों भर ली जाए दोस्तों इस जिंदगी के इस स्पायरल के अंदर जहां हम लोग फंसे हुए हैं इस स्पायरल का मुख थोड़ा सा घूम दीजिए और डोंट स्पायरल इन योर लाइफ बट माय सेकंड मैसेज टू यू इज इवॉल्व इन दिस स्पायरल इस जिंदगी के स्पायरल से बाहर निकलते हुए आइए कठिनाइयां रहेंगी कष्ट रहेगा परेशानियां रहेंगी दोस्तों लेकिन जब मन हमारा कमजोर होता है तो परिस्थितियां हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है जब मन हमारा स्थिर होता है तो परिस्थितियां हमारे लिए चुनौती का रूप ले लेती हैं दोस्तों लेकिन जब मन हमारा सशक्त होता है तो परिस्थितियां हमारे लिए अवसर का रूप ले लेती हैं हर परिस्थिति को अपने जीवन में एक अवसर बनाइए हर परिस्थिति हर चैलेंज को अपने जीवन में एक अपॉर्चुनिटी की तरह क्रिएट करिए और एक तूफान की तरह बाहर निकलते हुए अपनी जिंदगी को डिजाइन करिए अपने कॉन्शियस फ्यूचर को दोस्तों क्रिएट करिए दोस्तों अंत में कुछ शब्दों से अपने इस बात को आपके सामने अंत करूंगा दोस्तों किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबा नहीं मिलती हर जज्बात को जिंदगी में जुबा नहीं मिलती हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती हर जज्बात को जिंदगी में जुबा नहीं मिलती हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है दोस्तों आंसुओं को तो आंखों में भी पना नहीं मिलती